हेलो एवरीबडी, वेलकम टू स्टडी एंड करियर जोन गोल्डन विंग्स। टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो एंड टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू क्रैक आईएलटीएस राइटिंग। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस राइटिंग आर ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर राइटिंग। दे ऑलवेज फाइंड द वेज टू मेक देयर राइटिंग इफेक्टिव। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सिक्स रूल्स फॉर सिक्योरिंग हाई बैंड्स इन आईएलटीएस राइटिंग। So let's start. Rule 1. In IELTS writing, you must use concrete language rather than vague. It means आपको बिल्कुल clear language use करनी है, examiner को confuse नहीं करना है किसी भी चीज़ के बारे में। Now let's take an example of this. Read this sentence. The weather was of an extreme nature on the west coast. Means जो weather था वो बहुत ही extreme nature का था west coast पे। But this sentence raising so much frustrating questions for the examiner, such as when did this extreme weather occur? What does of an extreme nature mean? Where on the west coast did this take place? So it means that this sentence is confusing the examiner. Now let's see that how can we write it in a correct manner. We can write, California had unusually cold weather last week. See students, in this sentence there is no confusion, nothing is hidden. California mein unusually cold weather tha last week. Now let's jump on rule number 2. As aap mein se bahut sare students ne suna hoga ki hame IELTS mein acche band lene ke liye passive sentences use karne chahiye. But one main thing is that hame passive sentences ko bhi carefully use karna chahiye. हमें अननेसेसरली हर एक सेंटेंस को पैसिव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो राइटिंग टास्क है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा और एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो फोर्सफुली हर एक सेंटेंस को पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमारा राइटिंग टास्क जो है वो हमेशा रियल लगना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। राम क्लीन्ड आवर हाउस यस्टरडे। दिस सेंटेंस इज सो क्लियर एंड सिंपल, बिल्कुल क्लियर है, ईजिली मीनिंग कन्वे कर रहा है। बट कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी जगह इसको पैसिव बनाना प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। सच एज आवर हाउस वॉज क्लीन बाय राम यस्टरडे। इसमें देखो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि सेंटेंस को जानबूझकर फोर्सफुली कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। नाउ लेट्स टर्न टू रूल नंबर 3, विच इज़ स्टॉप ओवर जनरलाइजेशन। इट मीन्स आपने अपनी स्टेटमेंट्स को ओवर जनरलाइज नहीं करना है और अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा सॉफ्टन रखना है। ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स, नॉन स्पेसिफिक क्वांटिफायर्स जैसे कि कुड, मे, माइट, प्रोबेबली, लाइकली, ऑफन, समटाइम्स एंड सो फोर्थ। इट मीन्स हमने अपनी स्टेटमेंट को एकदम से श्योर नहीं करना, एकदम इतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं करना, उसे थोड़ा सा सॉफ्टन रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सच एज लिविंग इन बिग सिटीज इज़ स्ट्रेसफुल बिकॉज दे आर टू ओवरक्राउडेड। इसमें जो स्टूडेंट है वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट से क्लियर क्या होता है, दैट बिग सिटीज़ में रहना स्ट्रेसफुल है क्योंकि वो ओवरक्राउडेड होती हैं। एक श्योरिटी रिप्रेजेंट हो रही है इस सेंटेंस में। तो इसके अलावा अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सॉफ्टन कर देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेट्स चेक हाउ। लिविंग इन बिग सिटीज़ कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे टेंड टू बी ओवरक्राउडेड। अब इस स्टेटमेंट से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि बिग सिटीज़ में रहना स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि वो मेनली ज़्यादा ओवरक्राउडेड होती हैं, उनके ओवरक्राउडेड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए हम अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा कम जनरलाइज करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को इस मेथड को प्रेफरेंस देनी चाहिए। नाउ लेट्स जंप टू रूल नंबर 4, विच इज़ यूज़ कंसिस्टेंट ग्रामेटिकल फॉर्म व्हेन ऑफरिंग सेवरल आइडियाज़। इट मींस कि जब भी हमें एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक कंसिस्टेंट ग्रामेटिकल फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, वो ग्रामर का ध्यान नहीं रखते और इसी वजह से उनके बैंड कट हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। आई एडमायर पीपल हु आर ऑनेस्ट, रिलायबल एंड हैव सिंसियरिटी। अब देखो इसमें हमने कुछ क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट करनी है कि मैं उन लोगों को एडमायर करती हूँ जो ऑनेस्ट हैं, रिलायबल हैं और जिनके पास सिंसियरिटी है।
तो लास्ट में यहाँ पे एक अलग फॉर्म ऑफ ग्रामर यूज़ कर ली जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम करेक्टली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। आई एडमायर पीपल हु आर ऑनेस्ट, रिलायबल एंड सिंसियर। इसमें हमने सारी क्वालिटीज़ बताने के लिए सेम फॉर्म ऑफ ग्रामर यूज़ की है, सो इट इज़ मच बेटर। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 5। वी शुड यूज़ कोहेंसिव डिवाइसेस टू मेक आवर एसे फ्लो स्मूथली। मीन्स हमें अपने एसे को स्मूथली फ्लो करने के लिए कोहेंसिव डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। कोहेंसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? दे टेल द रीडर व्हाट वी आर डूइंग इन अ सेंटेंस एंड हेल्प टू गाइड देम थ्रू आवर राइटिंग। वो रीडर को ये बताती हैं कि अब हम अपने सेंटेंस में क्या करने वाले हैं और उन्हें हमारी राइटिंग के लिए गाइड करती हैं। कोहेंसिव डिवाइसेस में आपके सेंटेंस कनेक्टर्स, स्टार्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि इन कंक्लूजन, फॉर एग्जांपल, हाउएवर, मोर ओवर एंड मैनी मोर। एंड स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियोस में हम डिटेल में इन सब के बारे में जानेंगे, सो चैनल पे बने रहिएगा। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। फोकस मोर ऑन टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी देन बेसिक वोकेबलरी। हमेशा आपने टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी को यूज़ करना है। जितना हम हाई वोकैब यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी राइटिंग का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सी दैट सेंटेंस वेरी केयरफुली। यूनिवर्सिटीज़ आर ग्रेट प्लेसेस फॉर पीपल टू गेट एन एजुकेशन थैंक्स टू द नॉलेज ऑफ द स्टाफ, वेल डिज़ाइंड एजेंडा एंड स्पेसेस फॉर स्टडिंग डिफरेंट थिंग्स। Now in this sentence, if we interchange some words with other vocabulary words, then we can see that it will become more efficient. Now let's see how many words and which words we have to change. Instead of using people, we should use students, to get an education, to pursue higher education. For staff, we should use faculty, and for agenda, course curriculum, for spaces, research facilities. फॉर डिफरेंट थिंग्स वी शुड यूज़ वेरी डिसिप्लिन, बिकॉज ये जो सारी वोकैब है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। नाउ अवर रिजल्टिंग सेंटेंस विल बी, यूनिवर्सिटीज आर ग्रेट प्लेसेज फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन थैंक्स टू द नॉलेज ऑफ देयर फैकल्टी, वेल डिजाइंड कोर्स करिकुलम एंड रिसर्च फैसिलिटीज फॉर स्टडिंग वेरी डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट्स, आपने नोट कर ही लिया होगा कि सेकेंड जो सेंटेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको ज़्यादा बैंड मिलेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप सब इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो और अब आप इसको अप्लाई करने के लिए रेडी हो। एंड आफ्टर दैट, इफ अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू मे कमेंट इन द एंड सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।